भगवान शंकर के बारे में एक बात पुराणों में आती है कि भगवान किसी का अहंकार नहीं रहने देते। भगवान शंकर पहले अहंकार को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। व्यक्ति को लगता है कि वो सर्वोपरि है। रावण सबसे बड़ा उदाहरण है और शिव तांडव स्तोत्रम जो है रावण का आज भी एक उदाहरण है। कितना सुंदर लिखा उसने, पर उसको अहंकार हो गया कि वो कैलाश उठा लेगा। और भगवान को उसने कहा कि मैं कैलाश उठाकर आपके यहाँ अपने जो है लंका ले जाऊंगा। और भगवान मुस्कुराए और भगवान ने सिर्फ अपने पैर के थोड़े से जो वजन है वो डाले और रावण जो है, रावण भी बलशाली था, रावण उसके नीचे पड़ा रहा, उसके हाथ पे वजन पड़ता रहा और वो शिव तांडव स्तोत्रम जो है। और भगवान ने उसको जब लगा कि शिव ही हमको हमने जीत लिया, तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मानव अवतार से उसका वध करा दिया, अहंकार को धराशायी कर दिया। ऐसी बड़ी कथाएं हैं भगवान शिव के बारे में। सर्वज्ञानी हैं, सर्व वो उनसे बड़ा क्या है इस ब्रह्मांड में। और भगवान ने ज्ञान वापी क्षेत्र में, ज्ञान वापी तीर्थ क्षेत्र, जिसका इतिहास मैं आपको स्कंद पुराण और शिव पुराण से बता चुका हूं, पिछला वीडियो आप देखिए, वो ज्ञान क्षेत्र है, ज्ञान तीर्थ क्षेत्र है। और ज्ञान के पास अंधकार तो फटकता नहीं, और ज्ञान वापी ने सबको एक्सपोज कर दिया, बारी बारी से हर उस अहंकार को ध्वस्त कर दिया जो अहंकार में अपने धनुष की टंकार जो है हिंदुओं के कान में जो सुना रहे हैं कि हम ही हम हैं, इस जमी से आसमां तक हम ही हम हैं। महादेव ने कहा तुम कुछ नहीं हो।